टू जीपेट वाला चैनल. माय नेम इज निशा मंडलोई और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. अब आपको इसमें ये सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हम जो ट्रिक से हम क्या करेंगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन. ये जो क्लासिफिकेशन का चार्ट दिख रहा है आपको सबको दिख रहा है ना, तो ये जो क्लासिफिकेशन का चार्ट है ये आपको कैडिटी में मिल जाएगा आराम से. ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग में हम देखेंगे दो क्लासिफिकेशन है. ठीक है, एक तो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और सेकेंड वन है एंटीकोलिनर्जिक. ठीक है, अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर दो है कोलिनेस्टर और एल्कोलाइड्स. ठीक है, और एंटीकोलिनर्जिक में देखेंगे रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल. ठीक है, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कोलिन कार्बाकोल और एम मिथाकोलिन, तो हमें रखेंगे. ठीक है, अब एल्कोलाइड में आपको ट्रिक रखनी है अल्का पी जाती है. ठीक है, अल्का पी जाती है तो अल्कलाइड्स. ठीक है, अल्कलाइड्स के पी जाती है पिलोकार्पिन, है ना. अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक की. ठीक है, अब इसमें भी आपको दो क्लासेस दिख रही है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. ठीक है, अब रिवर्सिबल और ये जो एंटीकोलिनर्जिक की क्लासिफिकेशन है इसके अंदर क्या है बहुत क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि देखो आपको दिख रहा है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल. ठीक है, तो अब इसको हम आप ये क्लासिफिकेशन को एज इट इज देख लो, हम इसकी सबसे पहले ट्रिक पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं ट्रिक. अब एंटीकोलिनर्जिक की ट्रिक ये है कि हमें आज भूख लगी भूत जम से. ठीक है, और आपने मम्मा को कहा कि मुझे पनीर की सब्जी खाना है आज, तो मम्मा ने कहा कि जाओ मार्केट और लेके आ जाओ. तो आप जाते हो मार्केट में, अब जिस शॉप से आपको सब्जी लेनी है वो पीछे रह जाती है. ठीक है, अब जाते तो आपने देखा कि जो 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 शॉप है वो तो पीछे रह गई, तो आप क्या करते हो आपकी जो कार है उससे रिवर्स गियर लेते. ठीक है, तो रिवर्स गियर से हो जाएगा रिवर्स कार. ठीक है, तो रिवर्स कार में आप देखोगे रिवर्सिबल कार्बामेट. ठीक है, अब हमारी ट्रिक हो जाएगी पनीर दो प्याजा. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पी से फाइसोस्टिग्मिन, एन से न्यूस्टिग्मिन, ई से इड्रोफोनियम और डो से हो जाएगा डोनेपेजिन, पी वाई से हो जाएगा पाइरिडोक्सिन. ठीक है, और जी से गैलेंडामाइन. ठीक है, तो ये हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की ट्रिक है. क्या है, रिवर्स कार, है ना. हमने कार रिवर्स ली तो ये रिवर्स कार से रिवर्सिबल कार्बामेट हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट. वहां पर जो इरिवर्सिबल के अंदर आएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट. अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर ये तीन दीदियां दिख रही होगी, दीदी इको. ठीक है, तो ये जो तीन दीदियां हैं ये क्या करती है, इको का मतलब शोर करती है ये दीदियां. तो ये दीदियां क्या करती है, शोर करती है. और इनका नाम क्या है आप देख लो, तब्बू, सेरिन और सुमन. ठीक है, और डी से हो जाएगा डायफ्लोट और डी से डायजिनोन. ठीक है, ये पेराथायोन मेराथायोन, तो ये आप एज इट इज याद कर लेना. ठीक है, यहाँ पर आपको तब्बू दीदी भी दिख रही होगी, है ना, दिख रही है ना. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक का. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है उसकी क्या है, तीन क्लासेस है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक. अब हम इसको देखेंगे तो वो थोड़े इस टाइप से दिखेगी. देखो ये क्लासिफिकेशन दिख रहा है आपको नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल एल्कोलाइड्स की. ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट एक आपको कहानी याद रखनी है नेचुरली कि ये क्या है, एट्रोपिन है. ठीक है, नेचुरल में नेचुरल बात कर रहे हैं, ये क्या है, एट्रोपिन है. ठीक है, एट्रोपिन क्या करता है, उसको स्कूल जाना है तो वो एक न्यू बाइक खरीदता, कौन सी, हायोबुसा. वो आपने ये बाइक का नाम तो सुना ही होगा. ठीक है, हायोबुसा, तो क्या हो जाएगा, हायोबुसा से हो जाएगा हायोसिन और उसे स्कूल जाना है तो हो जाएगा स्कोपोलामाइन. तो ये आपकी नेचुरल की ड्रग बन गई कि एट्रोपिन है, उसने हायोबुसा गाड़ी ली बाइक और वो स्कूल गया, कौन सा स्कूल का नाम क्या इसका, स्कोपोलामाइन. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक की बात करते हैं. ठीक है, तो सेमी सिंथेटिक में क्या होगा, यहाँ पर अब जो एट्रोपिन है वो स्कूल आया तो स्कूल से क्या जाएगा, घर जाएगा ना, तो घर में हो जाएगा होम. ठीक है, हम होम बोलते हैं ना घर को, तो ये एट्रोपिन है वो घर जाएगा तो होम से हो जाएगा होमोट्रोपिन. अब इतनी अच्छी गाड़ी ली उसने, कौन सी, हायोबुसा, तो उसमें क्या करेगा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कवर लगाएगा ना, तो वो हो जाएगा हायोसिन ब्यूटामाइड. ठीक है, और अब इस तरह के टायर देखो, टायर से हो जाएगा, टी से हो जाएगा ट्रायोट्रोपियम और इस तरह के इप्रोट्रोपियम. ठीक है, इस तरह के टायर लगाता है. ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो सेमी सिंथेटिक का,
सो अब हम बात करते हैं सिंथेटिक ड्रग की, ठीक है। सिंथेटिक ड्रग की कैटेगरी हम ऐसे याद करने वाले हैं कि जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन होगा उसकी बाइक को देख के, तो उस रिएक्शन के ऊपर हम क्या करने वाले हैं कैटेगरी को याद करने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमें, एंटी पार्किंसन, ठीक है। अब एंटी पार्किंसन से आप नो पार्किंग, एंटी पार्क नो पार्क, एंटी पार्क नो पार्क याद कर लो, है ना, एंटी पार्क नो पार्क। तो नो पार्किंग का बोर्ड लगा देंगे, पड़ोसी उसे देखेंगे जलेंगे तो क्या करेंगे, नो पार्किंग का बोर्ड लगा देंगे और लिख देंगे कि 200 रुपए जुर्माना, बाइक खड़ी करी यहाँ पर तो 200 रुपए जुर्माना लग जाएगा आपको, पिटाई ठुकाई अलग से और 24% जीएसटी के साथ में, ये कौन सी बात हुई, ठीक है। तो एंटी पार्क नो पार्क से ये हमारा हो गया एंटी पार्किंसन, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेड्रेटिक की, है ना। अब इतनी अच्छी बाइक को देख के लोगों की आंखें क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, ठीक है, आंखें। सो इसे कहते हैं मेड्रेटिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेसिको सिलेक्टिव की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लोगों के पेट क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। अब लोगों के पेट फूल जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेसिको सिलेक्टिव ड्रग देनी पड़ेगी और ये जो ड्रग काम करती है वो ब्लैडर पे काम करती है, ठीक है, याद रखना, ओके। हाँ, अब आओ एंटी सिक्रेटी और एंटी स्पास्मोटिक ड्रग पे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एट्रोपिन की बाइक है उसको देखेंगे लोग तो लोगों के मुंह से क्या आ जाएगी, लार आने लग जाएगी, तो हम उन्हें क्या देंगे, एंटी सिक्रेटी ड्रग देंगे, ठीक है। और क्या होगा, उसके साथ में लोगों का पेट भी दुखने लगेगा तो क्या हम उन्हें कौन सी ड्रग देंगे, एंटी स्पास्मोटिक ड्रग देंगे, ठीक है। हुआ सिंथेटिक क्लियर लोगों की जलन से, है ना। सो अब हम कैटेगरी की ड्रग देखते हैं, ठीक है। अब जो मेड्रेटिक थे वो कैसे रिलेट था, आंखों से रिलेटेड था ना, तो आंखों से एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आपको याद आया, हाँ 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 वही वही, आंख मारे ये लड़की आंख मारे, दिख रहा है ना। अब उसके आगे क्या है, आंख मारे के बाद में सी टी बजाए, ठीक है। तो सी टी से हो जाएगा, सी टी से हो जाएगा, सी से हो जाएगा साइक्लोपेंटोलेट और टी से हो जाएगा ट्रोपिकामाइड, याद हुआ मेड्रेटिक में सी टी से, है ना, ओके। तो हमने यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी देखी उसके एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सीटी से याद रखना साइक्लोपेंटोलेट और टी से हो जाएगा ट्रोपिकामाइड, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एंटी सिक्योरिटी की एंड एंटी स्पास्मोटिक ड्रग के बारे में, ठीक है। तो जो ये ड्रग है ये दो टाइप की है, ठीक है, कौन कौन सी, कॉर्डिनरी एंड टर्शरी अमाइड, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम कॉर्डिनरी की बात करते हैं, तो कॉर्डिनरी क्विट्स कॉर्डिनरी है, ठीक है। तो इसमें ट्रिक हो जाएगी कॉपिक, ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना कॉपिक, ठीक है। तो अब सी से हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्लिनिडियम, ऑक्सीफिनोनियम, प्रोफेनथेलिन एंड पाइप्रेजोलेट, आइसोप्रोपामाइड, देन ग्लाइकोपाइरोलेट। अब हम बात करने वाले हैं टर्शरी अमाइन की, ठीक है। टर्शरी अमाइन की ट्रिक है डीपी देख के क्या करोगे, ठीक है। तो डी से हो जाएगा डाइसाइक्लोमाइन, ओके, और पी से हो जाएगा पाइरेनजेपिन, ओके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम वेसिको सिलेक्टिव। वेसिको सिलेक्टिव में जो उसका पेट था वो सॉफ्ट सा पेट था, ठीक है। तो सॉफ्ट डीटी, तो उससे एस से हो जाएगा सोलीफेनासिन, ओ से ऑक्सीब्यूटिनिन, एफ से फेलोक्सेट, टी से टोलटेरोडिन, डी से डेरिफेनासिन और टी से हो जाएगा ट्रोस्पियम। अब एंटी पार्किंसन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको पता ही है कि नो पार्किंग का बोर्ड लगा के रखा है, ठीक है। तो नो कौन सी वाली गाड़ी पार्क नहीं करने देंगे, वो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर या मर्सिडीज, ठीक है। तो टू व्हीलर से हो जाएगा बाइपेरिडिन, थ्री व्हीलर से हो जाएगा ट्राईहेक्साइलफेनाइडाइन, प्रो से हो जाएगा प्रोसाइक्लिडिन, ठीक है, और मर्सिडीज से हो जाएगा बेंज, बेंज मतलब बेंजीडिन, जिसमें बेंजीन रिंग लगी हो, बेंजोट्रोपिन। सो दैट्स इट, आपको हमारा क्लासिफिकेशन का ट्रिक कैसी लगी है तो आप हम कमेंट भी कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।